मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैं आज अपने लाखों करोड़ों ज्योतिष प्रेमियों के लिए एक प्रोग्राम लाया हूं, नवांश कुंडली का बारहवां भाव, आपके क्या राज खुलेगा। नवांश कुंडली में बारहवें घर में बैठे हुए ग्रह आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावी बनाते हैं, आओ हम सीखें। सबसे पहले जो मेरे मित्रगण ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो ज्योतिष सीख रहे हैं, लर्नर हैं, बारहवां भाव को बेस स्थान कहा गया है। बारहवां घर मीन राशि को दर्शाता है। बारहवां घर हमारी इंट्यूशंस, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशंस और आइसोलेशन, अकेलापन और खर्चा, एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि इसमें कोई ग्रह नवांश कुंडली में नहीं बैठा तो आपका खर्चा कंट्रोल है। नवांश कुंडली क्या होती है? नवांश कुंडली हमारी लग्न कुंडली का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, सूक्ष्म विवेचना है। ये हमारी लग्न कुंडली का नौवां हिस्सा है, नाइन्थ पार्ट है। नवांश कुंडली हमारी आत्मा को दर्शाती है। जो हमारे अंदर शादी के बाद चेंजेस आती हैं उसको दर्शाती है। नवांश कुंडली में यदि आपके बारहवें घर में सूरज यदि उच्च का है, सब राशि का है, मित्र राशि का है, ऐसे जातकों को जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ता है। उनका भाग्य उदय प्रायः 30 साल के बाद होता है। ये अपने सोच के राजा होते हैं। ये कोई बहुत बढ़िया स्कॉलर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, वो जन कल्याण के काम करने वाले होते हैं। यदि कुंडली का बारहवें भाव में बैठा हुआ सूरज आपकी पत्नी के छठे घर को दर्शाता है, यदि सूरज अच्छा है तो आपकी पत्नी सरकारी नौकरी करने वाली हो सकती है, चैरिटी के काम करने वाली हो सकती है, उसको माइग्रेन हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रह सकती है। यदि सूरज बारहवें घर में कमजोर है, शत्रु राशि में है, बैठा है राहु मंगल शनि के साथ बैठा है, ऐसे जातकों के अपजस होने का रहता है, सोच थोड़ी खराब रहती है। ऐसे जातकों को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। यदि सूरज खराब है बारहवें घर में तो ऐसे जातकों की पत्नी प्रायः उनको प्रॉब्लम रहेगी हेल्थ की, लो वाइटलिटी के प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम अक्सर रहेगी। आप भी अपना बर्थ चार्ट देखें, कहीं आपके आपका बारहवें घर में सूरज तो नहीं बैठा और आपकी पत्नी के आपको ऐसे ही करेक्टर मिलेंगे। यदि बारहवें घर में चंद्र है, बारहवें घर में चंद्रमा का होना कदापि अच्छा नहीं है। नवांश कुंडली में जिन मेरे मित्रगणों का चंद्रमा आ गया वो अच्छा नहीं गिना गया। बारहवां घर आइसोलेशन इंट्यूशंस इमेजिनेशन को दर्शाता है। ऐसे जातकों में इंट्यूशंस इमेजिनेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्रायः इनका बुढ़ापा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये प्रायः अपना डिसीजन थोड़े से काम बदलते हैं। इनको कोई भी काम स्टेबिलिटी करनी चाहिए, स्टेबल रखना चाहिए, काम बदलना नहीं चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री के माध्यम से दुनिया को सभी लोगों से अपील करता हूं, इसके गाइडलाइन लें। ज्योतिष क्या जादू चीज है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में बारहवें घर में राहु केतु मंगल शनि के साथ आ सकता है, आ गया तो ऐसे जातक डिप्रेशन, इंसोमिया, हालुसिनेशंस, मेंटल इलनेस के शिकार रहेंगे।
मैंने लाखों करोड़ों कुंडलियां देखने के बाद ये रिसर्च किया है। उनकी पत्नी प्रायः इल हेल्थ से, मेंटल डिप्रेशन से पीड़ित रहेगी, सोच ज्यादा रहेगी। उनका भाग्योदय यात्राओं के द्वारा होगा, वो कुछ भी क्रिएटिव बन सकती हैं, अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हैं, लेकिन भाग्योदय यात्राओं के द्वारा होगा। यदि बारहवें घर में मंगल है, बारहवें घर का मंगल जातक को साहसी बनाता है, निडर बनाता है, खर्चीला बनाता है, आदमी जन कल्याण के काम करने वाला होता है। यदि मंगल नीच का है, मंगल शनि राहु केतु के साथ है, तो ऐसे जातक बहुत ही अस्थिर मन के, क्रोधी किस्म के होते हैं। ऐसे जातकों की पत्नी बहुत ही पराक्रमी होती है, बहुत पराक्रमी यदि मंगल अच्छा है। यदि मंगल अच्छा नहीं है तो ऐसे जातकों की पत्नी को प्रायः माइग्रेन, हाइपरटेंशन, आईबीएस की प्रॉब्लम रहेगी। बारहवें घर में बुध, यदि बुध अच्छा है, अपनी कन्या राशि में है या मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक बारहवां घर बृहस्पति का घर है, इसमें बुध कदापि अच्छा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन 30 इयर्स के बाद ऐसे जातक बहुत बढ़िया सिंगर डांसर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, लेकिन इनको संघर्ष करना पड़ेगा। यदि बुध खराब है, शत्रु राशि में है, इसके साथ शुक्र शनि राहु केतु की युति आ रही है, ऐसे जातक मानसिक रोगी हो सकते हैं, ऐसे जातक मानसिक रोगी हो सकते हैं। इनकी पत्नी प्रायः उसके बड़े लॉजिक माइंड वाली होगी, यदि जो बीमार भी होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, वो हर तरीके से हिसाब किताब से चलने वाली होगी। बारहवें घर में बृहस्पति, बारहवें घर में यदि बृहस्पति अच्छा है तो ये जातक का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। बृहस्पति जिस घर में बैठता है उस घर के गुणों को बढ़ा देता है, ऐसे जातकों का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन खर्चा अच्छे कामों में होगा। ऐसे जातक डिटैच होते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, भौतिक चीजों से, और अपने आप को अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। जो जो इनकी उम्र बढ़ती है, ये अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, जन कल्याण की ओर बढ़ते हैं, इनका कोई भी लगाव पैसे की तरफ नहीं रहता। इनकी पत्नी प्रायः चटपटे चीजों का उनको शौक होगा, दंपति जीवन में थोड़ी खटास रहेगी। ऐसे जातकों की पत्नी का भाग्योदय 32 साल के बाद होगा। यदि भारमा घर में छुकर है, शुक्र अच्छी अवस्था में है, उच्च का है, सब राशि का है, तो ऐसे जातक भोग विलास पर ज्यादा खर्च करते हैं, जो शुक्र के लिए अति उत्तम अवस्था है। ऐसे जातक काफी क्रिएटिव होते हैं और इनकी जिंदगी भी अच्छी निकलती है, रोमांटिक किस्म के इंसान होते हैं। यदि शुक्र अपने शत्रु राशि में बैठ गया, उसके साथ मंगल की ज्योति हो गई, राहु की केतु के, ऐसे जातक खर्चीले बहुत होते हैं, आसक्याना स्वभाव के होते हैं, पर स्त्रियों पर या लड़कियों के पीछे घूमने वाले होते हैं, उन पर अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं, और कैरेक्टर के ढीले होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, उनको इससे बचना चाहिए। यदि बारहवें घर में शुक्र है एडवांस कुंडली में, ऐसे जातकों की पत्नी, यदि शुक्र अच्छा नहीं है तो ऐसे जातकों की पत्नी को इल हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, उनकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, उनको अंतनी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि नवांस कुंडली में
भार में गर्मी क्षणि आ गया है, क्षणि दर्शाता है आइसोलेशन पीड़ा कर्म। कैसे ज्योतक बहुत ही कर्मठ होते हैं, इनका भाग्य उदय 32 साल के बाद होता है। ऐसे जातक अकेला रहना पसंद करते हैं, ऐसे जातक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इनको डिटैचमेंट रहती है, सेल्फ मेड इंसान रहते हैं। यदि शनि खराब है, शत्रु राशि में है या इसके साथ राहु मंगल शनि केतु की युति होगी, ऐसे जातक व्यसनी हो सकते, करेक्टर के ढीले हो सकते हैं, ड्रग एडिक्टिव हो सकते हैं। ऐसे जातकों की पत्नी पराया अच्छी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकती है, अच्छे कर्म करने इल हेल्थ की प्रॉब्लम उसे जरूर रहेगी। यदि आपके नवांश कुंडली में भार में घर में राहु है, राहु आपके खर्चे को बढ़ा देगा, राहु आपके खर्चे को बढ़ा देगा। यदि नवांश में भार में घर में राहु है, ऐसे जातक प्रायः अपने खर्चे से परेशान रहते हैं, इनमें इंट्यूशंस कल्पना शक्ति बहुत होती है। बार में घर में यदि राहु है, घबराए नहीं, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, पामिस्ट बन सकते हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रिसर्चर बन सकते हैं। कोई भी चीज जो कल्पना शक्ति के द्वारा होती है उसे आप पा सकते हैं। यदि बार में घर में केतु है, डिटैचमेंट फ्रॉम द केतु क्या दर्शाता है, डिटैचमेंट आध्यात्मिकता। ऐसे जातक जो जो उम्र बढ़ती है त्यों त्यों अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, ऐसे जातक भोग पुलास से थोड़ा डिटैचमेंट रहती है, प्रायः सैया सुख में थोड़ी बहुत कमी रहेगी, अनिद्रा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे जातक की पत्नी शत्रुहंता होगी, काफी संघर्ष करने के बाद वो काफी क्रिएटिव कोई आर्टिस्ट स्त्री हो सकती है। मैंने आपको बताया नवाज कुंडली में बैठे हुए ग्रह आपकी जिंदगी में कैसा प्रभाव डालेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय सनातन।